जुलाई 2012 में लेजेंडरी साउथ अफ्रीकन विकेटकीपर मार्क बाउशर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उनकी इंजरी का कारण आज भी सबको चौंका देता है। सोमरसेट के खिलाफ जब वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, तब इमरान ताहिर की डिलीवरी जाकर स्टंप्स पर लगी। स्टंप्स से एक बेल डिसलॉज होकर सीधे बाउचर की आंखों पर जाकर हिट की। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी कॉर्नियल सर्जरी करवानी पड़ी। इस इंजरी के कारण बाउचर को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट भी लेना पड़ा। हालांकि इंजरीज किसी भी स्पोर्ट के साथ जुड़ी रहती हैं, लेकिन क्रिकेटर्स कई बार अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में चोटिल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 5, ग्लेन मैकग्राथ। 2005 के एशेज के फर्स्ट टेस्ट मैच में ग्लेन मैकग्राथ शो के स्टार रहे। उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 9/83 के फिगर्स के साथ वो पहले टेस्ट के मैन ऑफ द मैच रहे। लेकिन एड बैक्सन में होने वाले सेकंड टेस्ट मैच के पहले वार्म अप के दौरान ग्लेन मैकग्राथ घायल हो गए। विकेट कीपर ब्रैड हैटन के साथ वो रग्बी बॉल पास खेल रहे थे, जब अचानक से बॉल उनके नी पर जाकर लगी। मैकग्राथ सीधे जमीन पर जा गिरे और उन्हें बग्गी के सहारे पिच से बाहर ले जाया गया। मैकग्राथ के एंकल लिगामेंट्स रप्चर हो गए और रिमेनिंग एशेज मैचेस उन्हें मिस करने पड़े। नंबर 4, क्रिस ओल्ड। क्रिस ओल्ड का करियर बेहद अनफॉर्चुनेट था। उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका करियर इंजरीज से प्लेग्ड रहा। 1981 में हेडिंगली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अनबिलीवेबल कमबैक करने में वो इयान बॉथम के अनसंग बैटिंग पार्टनर थे। अपने करियर के 46 टेस्ट मैचों में क्रिस ने 143 विकेट्स लिए। लेकिन एक बार क्रिस ओल्ड को एक टेस्ट मैच मिस करना पड़ा, क्योंकि चीखते वक्त उनकी एक रिब की हड्डी टूट गई। जी हाँ, आपने सही सुना, क्रिस के टीममेट्स भी इस बिजार इंजरी को लेकर मजाक किया करते थे। नंबर 3, जेम्स एडम्स। 1998-99 के साउथ अफ्रीका टूर के लिए जब वेस्ट इंडीज टीम फ्लाइट पर थी, तब जेम्स एडम्स के साथ एक गंदा हादसा घटा। जोहानिसबर्ग बाउंड फ्लाइट पर ब्रेड काटते वक्त जिम्मी ने एक्सीडेंटली अपने दाएं हाथ के कुछ टेंडन्स को भी स्लाइस कर दिया। प्लेन पर ही एक डॉक्टर ने एडम्स को असिस्ट करने की कोशिश की, पर उनके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। फ्लाइट लैंड करते ही उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया, एंड इट गोज विदाउट सेइंग दैट ही मिस्ड द एंटायर टूर। नंबर 2, ट्रेवर फ्रैंकलिन। न्यूजीलैंड क्रिकेटर ट्रेवर फ्रैंकलिन अपने लो स्ट्राइक रेट लेकिन सॉलिड इनिंग्स बिल्ड करने के लिए जाने जाते थे। 1986 के इंग्लैंड टूर के अंत में ट्रेवर सरी के गैटविक एयरपोर्ट पर थे। ही वॉज रन डाउन बाय अ मोटराइज्ड बैगेज ट्रॉली एट द एयरपोर्ट एंड शैटर्ड हिज लेग, सस्टेनिंग मल्टीपल फ्रैक्चर्स। नंबर 1, मैथ्यू हेडन। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बैट्समैन मैथ्यू हेडन को 2006 और 7 के सीजन का स्टार्ट ब्रोकन फिंगर इंजरी के कारण मिस करना पड़ा। खुद को फिट रखने के लिए हेडन अक्सर जॉगिंग और रनिंग के लिए जाते थे। एक दिन जॉग करते वक्त एक लोकल कुत्ते ने उन्हें चेस किया। हेडन वॉज अटैक्ड बाय द डॉग एंड सफर्ड अ 5 सेंटीमीटर डीप वुंड इन हिज एंकल एंड हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल।